भिंड शहर के हृदय स्थल गोल मार्केट पर बुधवार की दोपहर अशोक जैन के नाश्ते के गोदाम में सिलेंडर फटने के बाद दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों की टीम मौके पर पहुंच गई। इस हादसे के बाद पड़ोस में जय कुमार जैन के गोदाम असुरक्षित होने की शिकायत मोहल्ले वासियों ने की थी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार्रवाई के डर से जय कुमार जैन के हलवाई व कर्मचारी गोदाम से सिलेंडर व अन्य सामग्री लेकर भाग गए थे। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस व जिला खाद्य अधिकारी अवधेश पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने जय कुमार जैन से बातचीत कर गोदाम खोलने को कहा। इस पर पहले तो वह ताला मटोल करते रहे। जब पुलिस और फूड अफसर ने ताला तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, इसके बाद ताला खोला गया। यहां एक दर्जन से ज्यादा सिलेंडर पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। जब अधिकारियों ने गोदाम में अंदर जाकर देखा तो सड़े गले मावे से मिठाइयां तैयार की जा रही थी। इसका फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा सैंपल लिया गया। शहर की प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार के संचालक के द्वारा गोदाम में सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर काम करवाया जा रहा था। इसमें सबसे बड़ा सवाल फूड सेफ्टी ऑफिसर पर खड़ा हो रहा है। उनके द्वारा अगर सही तरीके से जमीनी निरीक्षण किया गया होता और गोदामों को चेक करते तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। जय कुमार पेड़ हाउस के गोदाम पर कार्रवाई की गई। यहाँ से दो नमूने कलेक्ट किए गए। एक सोनपापड़ी का नमूना लिया गया है और एक डोड़ा बस्ती का नमूना लिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर गंदगी और कई अनियमितताएँ थी, तो उनके लिए 3250 नोटिस दिया गया है और 7 दिवस का समय दिया गया है उन्हें। यदि वो सुधार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इनके यहाँ 14 गैस सिलेंडर पाए गए। इन सिलेंडरों के कोई कागजात प्रस्तुत इनके द्वारा नहीं किए गए हैं। इन्हें जब्ती कार्रवाई की जा रही है। ये अनुपयोगी सिलेंडर है या उपयोग में लिए जा रहे हैं? सभी उपयोगी हैं। सभी उपयोग में लिए जा रहे हैं। वो सिलेंडर जो 14 सिलेंडर पाए गए हैं, ऐसी स्थिति में मकान भी इनका छूटा है जहाँ कोई बड़ा हादसा होने की भी आशंकाएं नजर आती है। हम प्रकरण बनाकर कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे।